जनवरी व फरवरी माह में आचार्य जी से मिलने के लिए कृपया संपर्क करें। जोधपुर 24 जनवरी व 27 व 28 फरवरी, दिल्ली 25 व 26 जनवरी 4 फरवरी, चंडीगढ़ 27 जनवरी 3 फरवरी, मुंबई 28 जनवरी 13 व 14 फरवरी, बड़ौदा 29 जनवरी, दुबई 31 जनवरी व 22 व 23 फरवरी, अहमदाबाद 1 फरवरी, इंदौर 2 फरवरी, गोवा 16 फरवरी। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। संपर्क 09529020222। मेरे बहुत प्रिय साथियों, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। साथियों, नए वर्ष का लगभग एक माह पूरा होने जा रहा है। आपने कई प्रकार के रेजोल्यूशन, संकल्प लिए होंगे जो आपको 2019 में पूरे करने हैं, परंतु आज हम बात करेंगे कि यदि आपने ये संकल्प लिया है कि इस वर्ष अर्थात 2019 में मुझे किसी भी कीमत पर विवाह के बंधन में बंधना है, तो ये समझिए कि आज का एपिसोड आप लोगों को ही समर्पित है। यदि आप चाहते हैं 2019 में आपका विवाह हो, शुभ विवाह हो, शीघ्र विवाह हो, तो आप हमारे साथ में बने रहिए। इसके कारणों पर, इसके उपाय पर चर्चा करेंगे और सभी राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ राशियों के 2019 में विवाह बंधन में बंधने के बहुत अच्छे योग हैं, कुछ के बहुत कम योग हैं, पर जिनके बहुत कम योग हैं उनको निराश होने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक ऐसा उपाय जो कि उनको 2019 में 100% विवाह के बंधन में बंधवाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो कि आप लोगों के ही द्वारा हमें कमेंट के माध्यम से प्राप्त होते हैं, तो अंत तक आप हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। साथियों, शनि एक ऐसा ग्रह जो सभी ग्रहों पर भारी है, इसकी एक चाल, और यदि वो वक्री हो तब तो फिर कहना ही क्या। पूरे वर्ष में कुछ समय, लगभग 4.5 माह ऐसा होता है जबकि शनि वक्री अर्थात उल्टा चलता है। जैसी सीधी चाल होती है उसको यदि उल्टा कर दिया जाए तो उसको ज्योतिष की भाषा में वक्री कहते हैं। बात 2019 की, यदि 2019 की मैं बात करूं तो 30 अप्रैल से लेकर के 18 सितंबर तक शनि देव जो हैं वो वक्री रहेंगे और ये बाधा उत्पन्न करेंगे, खास तौर से कुछ राशियों के विवाह में। उसका तोड़ ही आज मैं आपके पास में लेकर के आया हूँ। साथियों, शनि यदि नीच राशि का बैठा है आपकी कुंडली में, यदि मेष जहाँ पर एक नंबर लिखा है वहाँ बैठा है, या फिर 8वें, 6वें या 12वें भाव का स्वामी है, तब फिर ये आपको प्रताड़ित जरूर करता है। इसके कुछ लक्षण ऐसे हैं, यदि शनि खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति आलस्य का शिकार होता है, वो चाहते हुए भी अनुशासन में नहीं रह पाता, कानून का उल्लंघन करना, कानून को तोड़ना, ऐसे व्यक्ति को उसमें आनंद आता है, किसी का आदेश नहीं मानना, इसमें उसको एक अजीब सा मजा आएगा, कर्म जो है उससे विमुख हो जाता है ऐसा व्यक्ति, और धैर्य क्या होता है इसमें ऐसा व्यक्ति कुछ भी समझता नहीं है, उसके हर कार्य में, जीवन के हर कार्य में देरी होती है। जो सभी लोगों के काम 3 दिन में हो जाते हैं वो इनके 13 दिन में भी पूरे नहीं हो पाते, और थकान भी इनको बहुत जल्दी हो जाती है। अब एक एक करके मैं 12 राशियों का यहां पर वर्णन करूंगा और ये एक्सक्लूसिवली विवाह को समर्पित है, इसलिए सिर्फ मैं यहां पर विवाह की ही बात करूंगा। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए इसलिए सुखद खबर है ये कि यदि उनकी कहीं पर बात चल रही है तो वो पक्की हो सकती है और बहुत प्रबल संभावना है 2019 में उनके विवाह की। वृषभ जो 2 नंबर की राशि है, वृषभ, यदि आपके कहीं पर बात चल भी रही थी तो निराशाजनक बात यह है कि उसमें कहीं ना कहीं रुकावट अपने स्वयं के किसी रिश्तेदार, मिलने वाले पारिवारिक व्यक्ति के माध्यम से हो सकती है और वो संबंध खटाई में पड़ सकता है। आप आगे उपाय जो है उसको निश्चित रूप से सुनिएगा। मिथुन राशि,
मिथुन राशि वाले, इनको कुछ विशेष कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। विवाह के लायक यदि व्यक्ति हैं तो उनके लिए संबंध भी अच्छे आएंगे और आगे उनका वैवाहिक जीवन भी जो है, यदि वो कुंडली मिला करके विवाह करते हैं तो सफल रहेगा। कर्क राशि की यदि बात करूं तो इनके लिए भी श्रेष्ठ रिश्ते आएंगे। जिस रिश्ते की तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे, आपको शिकायत थी कि अच्छे रिश्ते नहीं आते, इस वर्ष आपको अच्छे रिश्ते मिलेंगे। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक ये है कि रिश्ते तो कई प्रकार के आते हैं, आते रहेंगे भी, परंतु जैसा आप चाहते हैं वैसा रिश्ता आपके पास में नहीं आ रहा है। यही आपके चिंता का विषय है, आपको उपाय करने की ज़रूरत है। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके प्रेम संबंधों में किसी न किसी प्रकार का मनमुटाव, ब्रेकअप ये इस साल हो सकता है, इसलिए आप भी यदि प्रेम संबंध को बचाना चाहते हैं या उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्थायी बनाना चाहते हैं, तब भी उपाय आपके बहुत ही काम का है। तुला राशि के जातक जो हैं वो इस वर्ष विवाह बंधन में बंधेंगे, मेरी तरफ से उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो काफ़ी समय से बहुत परेशान हैं, लंबे समय से, यदि उनकी मन की कोई इच्छा है तो उनका मन ये बहुत अच्छे से जानता है कि वो लंबे समय से अधूरी पड़ी हुई है और विवाह की इच्छा भी उनकी अधूरी रखने का कार्य इस साल शनि महाराज करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ में बने रहिए, उपाय किस प्रकार से करना है बेहद आसान उपाय पर हम चर्चा करेंगे। धनु राशि के जो जातक हैं, आपको जो रिश्ता लगभग लगभग पक्का लग रहा था, वहाँ पर आपके 99.9% पर आकर के गाड़ी अटक सकती है। ऐन वक्त पर आपके मना हो सकता है, सारी बातचीत परिवार आदि के बीच में होकर के, मुलाकात होकर के फिर टूट सकती है, इसलिए उसको यदि बचाए रखना चाहते हैं तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। मकर राशि की यदि बात करें तो इनके विवाह में भी बाधा होगी, वो भी पारिवारिक कारणों से, या तो घर वाले जो हैं वो रिश्ता ठीक से तलाश नहीं कर पा रहे हैं, या जो रिश्ते आ रहे हैं उस पर ज़्यादा देर तक सोच रहे हैं, आगे डिसीजन नहीं हो पा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या आपको उपाय करना चाहिए। कुंभ राशि की यदि मैं बात करूं तो विवाह की बात आपके पक्की होगी और शहनाई जो है वो बजेगी, आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं। मीन राशि जो कि अंतिम राशि है राशि चक्र की, अब आपको अधिक इंतज़ार नहीं करना है, आप जैसा रिश्ता चाहते थे आपके मन मुताबिक रिश्ता आपको इस वर्ष अवश्य मिलेगा, किसी प्रकार के विशेष उपाय की आपको ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, जिन जिन राशियों में हमने नकारात्मक बात कही कि विवाह में चाहे देरी, रिश्ता टूटना, डिले, ये सारी चीज़ें हैं, उनको इसी दरमियान, जिस पीरियड की मैं बात कर रहा था कि 30 अप्रैल से 18 सितंबर तक शनि वक्री है, इस बीच में जितने शनिवार आएंगे इसमें लगभग 20 शनिवार आएंगे, उन 20 शनिवारों को यदि आपने ये कार्य कर लिया इसी वर्ष आपका सगाई संबंध या रोका संबंध या बात पक्की होना, इनमें से मैं दावा करता हूं कि कुछ ना कुछ अवश्य होगा, क्योंकि ये उपाय ही इतना विलक्षण है, मेरे दावे का आधार केवल इसकी विलक्षणता और इसकी विश्वसनीयता है। करना क्या है साथियों, शनिवार को 30 अप्रैल के बाद जो भी शनिवार आते हैं 18 सितंबर तक, शनिवार को आपको जैसे ही सुबह आपकी नींद खुलती है आपको बैठ करके आंखें बंद करके 7 बार ओम मंदाय नमः, मंदाय मंद गति से चलने वाला शनि, उसकी स्तुति करनी है। केवल 7 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको शाम को, उसी दिन शनिवार की शाम को घर से निकलना है, थोड़ा सा कोई शक्कर का बुरादा आप साथ में लेकर के जाइए और जहाँ पर भी चींटियाँ या कीड़े मकोड़े होते हैं उनको आप समर्पित कीजिए अपने हाथों से। फिर उसी दिन पीपल के वृक्ष पर संध्या काल में ही एक सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित कीजिए और प्रज्वलित करने के बाद में करबद्ध होकर के शनिदेव से यही प्रार्थना कीजिए कि मेरे विवाह में जो ये अननेसेसरी इतनी देरी हो रही है, जिसको मैं भुगतान कर रहा हूँ, परिवार वाले भी परेशान हैं, तो मुझे इससे निजात दिलाएं और शीघ्र मुझे शुभ विवाह के बंधन में बंधवाएं। ये कार्य साथियों आपको 20 के 20 शनिवार करना है
और मुझे आप सूचित करेंगे किसी भी माध्यम से, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा आश्वस्त और आशान्वित हूँ इस उपाय के खरे उतरने पर। मेरी तरफ से आप सभी जातकों को शुभ विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो साथियों, इसको न केवल आप अपनाएं, बल्कि यदि आपके आस पड़ोस में कोई है जो कि विवाह सुख से वंचित है, तो उस तक भी आप, यदि वो इन राशियों से है, तो आप उस तक ये सूचना ज़रूर पहुंचाएं। साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रेणुका जी का, जो कि हमें मिला है लातूर महाराष्ट्र से। आपने जानना चाहा है कि आपका विवाह कब होगा और नौकरी कब लगेगी। दोनों ही चीज़ें होंगी, इसी वर्ष होंगी। थोड़ा सा इसमें डिले इसलिए आ रहा है कि आपको अभी चल रही है राहु की महादशा। तो आपको प्रत्येक शनिवार को एक माला ओम राम राहुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपकी शादी भी शीघ्र होगी और मनपसंद आपकी नौकरी आपको शीघ्र प्राप्त होगी। तो साथियों, ये था हमारा आज का छोटा सा प्रयास आपके शुभ विवाह के लिए। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला लग रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइए, क्योंकि बहुत सारे रोचक और विश्वसनीय शोधपरक एपिसोड तैयार हैं। हमें अपना स्नेह देने के लिए लाइक कीजिए और अपने लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी स्वस्थ समृद्ध बने। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।